पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिद्रा अरशद। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट। आई हैव डन माय बीएस इन साइकोलॉजी फ्रॉम कॉमसेट यूनिवर्सिटी एंड देन आई हैव डन माय एमएस फ्रॉम जेविस यूनिवर्सिटी। सो आई हैव वर्कड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इन डिफरेंट क्लिनिकल सेटअप्स एंड डिफरेंट इन सेंटर्स एज अ थेरेपिस्ट एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट। आज हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट मोस्ट इमर्जिंग टॉपिक है, जो मोस्टली आप अपने आउटस्टैंडिंग्स में देखते होंगे कि कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको आप गर्ल्स अटायर में देखेंगे, आप गर्ल्स वाले बालों में उनको देखेंगे, जिस तरह से लड़कियां बाल बनाती हैं इस तरह से बॉयज़ ने बाल बनाए हुए होंगे, उनकी आप चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, हर चीज़ उनकी गर्ल्स जैसी होगी। और कुछ गर्ल्स आपने ऐसी देखी होंगी जिनकी बॉयकट होगी, जिनका बॉयज़ में इंटरेस्ट होगा, जो जिनकी आवाज़ आप देखेंगे कि बॉयज़ की तरह वो आवाज़ निकालेंगी और उनका जो अटायर होगा वो सारा बॉयज़ की तरह होगा। अच्छा, साइकोलॉजी की ज़बान में इसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। जेंडर डिस्फोरिया बेसिकली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर हम बॉयज़ को डिस्कस करें तो जेंडर डिस्फोरिया, और यूजली जो जेंडर डिस्फोरिया है ये या तो चाइल्डहुड में शो होता है या फिर लेट एडोलेसेंस स्टेज में या एडोलेसेंट स्टेज में शो होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप बॉयज़ को देखेंगे तो बॉयज़ बचपन से ही उनका इंटरेस्ट जो होगा वो गर्ल्स की चीज़ों में होगा, गर्ल्स के ड्रेसेस में होगा। अच्छा, उनको अगर टॉयज़ पसंद होंगे तो उनको डॉल्स पसंद होंगी, उनको डिफरेंट तरह के डॉल हाउसेस पसंद होंगे और इस तरह की चीज़ें पसंद होंगी। और उनका इंटरेस्ट, मतलब अगर वो कोई भी प्ले वगैरह कर रहे हैं तो उनका ये होगा कि वो अपने मदर वाली चीज़ को रिप्रेजेंट करें, मतलब गर्ल वाली चीज़ को रिप्रेजेंट करें, इस तरह से होगा। और उनका हर टाइम यही इसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा कि अगर उनको कोई स्ट्रेंजर बुलाता है, कोई भी बुलाता है, तो उनको गर्ल नेम से बुलाए। इसी तरह आप बॉयज़ को देखेंगे, कुछ गर्ल्स को देखेंगे, गर्ल्स को जिस तरह से होगा कि उनको ऑपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, मतलब उनको बॉयज़ की जो भी गेम्स वगैरह होती हैं उसकी तरफ इंटरेस्ट होगा, उनको बॉयज़ के अटायर्स में इंटरेस्ट होगा, उनकी कटिंग जो होगी वो बॉयज़ जैसी होगी और उनकी अपनी लाइक वो जो वॉल्यूम है, जो आवाज़ है, जो सारी चीज़ है वो भी वो उनका होगा कि वो बॉयज़ जैसी एक मतलब आवाज़ निकालें। अच्छा, अब अगर इनके काजिज़ की बात की जाए तो बहुत सारे बायोलॉजिकल काजिज़ हैं, साइकोलॉजिकल काजिज़ हैं और डिफरेंट मतलब सोसाइटल काजिज़ हैं। अब बायोलॉजिकल काजिज़ की बात की जाए तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से बंदे के अंदर ऑपोजिट जेंडर वाली चीज़ आ जाती है। उसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से ऑपोजिट सेक्स की तरफ बंदे का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो अपने आप को मतलब अगर बॉय है तो गर्ल समझेगा, गर्ल है तो बॉय समझेगा। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल काजिज़, साइकोलॉजिकल काजिज़ में ये है कि अगर चाइल्डहुड में कोई भी सेक्सुअल ट्रामा हुआ है बच्चे के साथ तो मोस्ट प्रोबेबली अडल्टहुड में जाके या लेट हाई चाइल्डहुड में जाके उसके अंदर जेंडर डिस्फोरिया वाली चीज़ आ जाए। अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं जिसमें मेडिकेशंस आ जाती हैं जो एक साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, साइकोथेरेपी आ जाती है। साइकोथेरेपी में बेसिकली क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल होता है, जो भी पेशेंट होता है, उसको डिफरेंट तरह का सेल्फ कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर लाई जाती है। उसके अलावा डिफरेंट हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह इसमें मतलब इंड्यूस किए जाते हैं बंदे में या इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे वो ये है कि अगर वो बॉय है तो अपनी बॉय वाली चीज़ में आ जाए और अगर गर्ल है तो गर्ल वाली चीज़ में आ जाए। अच्छा, मशल मेंटल हेल्थ केयर बेसिकली साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड कर रहा है उन लोगों को जिनके अंदर कोई भी साइकोलॉजिकल इशू है। अगर आप अपने आस पास या अगर आप खुद इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आप हमारी क्लिनिक विजिट कर सकते हैं कोई भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।